अच्छा जी, वन सवा किलो है। अच्छा 1.5 केजी है ये हमारा मैदा। मैदा सेल्फ रेजिंग फ्लावर कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। और दो हमें चाहिए पैकेट यीस्ट के, नॉर्मल साइज जो होता है वो। और इसमें जाएगा योगर्ट और इसमें जाएगा ऑयल और बेकिंग। अच्छा सोडा जाएगा इसमें, ठीक ठीक। नमक चीनी, नमक और चीनी सही है, वो तो है जो घोल बनाते हैं पहले वो तो नॉर्मल वही होगा ना। अच्छा कितना जाना? हाँ जी ये कैन यू होल्ड, ओके सॉरी। ये पूरा एक हमने डालना है, ओके। ये दो पैकेट हमने यीस्ट के लिए हैं। हाँ, इससे हम गर्म पानी में कर रखते, ठीक है। हम एक चम्मच पहले हम आटा डालते हैं ना, आटा जो है ना वो हम छान के यूज कर रहे हैं। इसमें डाल रहे हैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर 1.5 केजी, जो कि हम सिव करके फिर इसको गूंदेंगे। उस तरह नान बहुत फ्लफी बनते हैं, तो ये गया आटा इसमें। वैसे भी इस तरह काफी छन जाता है तो गुटलियां वुटलियां बनने का बिल्कुल कोई चांस नहीं होता। तमाम आटा हमने अच्छी तरह कर लिया, ठीक है। हां अगर कोई देखे भी ना, हां इसमें ऐड कर लिया हमने, इसमें देखा नमक डाल दिया। मैं तो एक टीस्पून डाल दूंगी इसमें। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ नमक जो है नहीं ज्यादा खाते, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। एक टीस्पून आपने इसमें नमक डालना, ठीक है। और 3 टीस्पून आपने इसमें ब्राउन शुगर डाल, ठीक है। वाइट भी डाल सकते हैं ना, वाइट भी डाल सकते हैं शुगर। हाँ जी, और बाइकार्बोनेट सोडा भी जो है ना आपने 1/2 टीस्पून पूरे पैकेट में। ओके, ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर है तो ऑलरेडी उसमें ऐड हुआ होता है बेकिंग पाउडर, सो इसलिए। अब इसमें हमने डालने योगर्ट, ओके। तो दूध, ये जो हमने योगर्ट है ये रूम टेम्परेचर पे हमने डालना है रख के, और जो दूध है वो हम गर्म कर। तो हमने ये दोनों चीज़ें दूध और ये जो योगर्ट है ये हमने ठंडे नहीं ऐड करने इसमें। योगर्ट को पहले निकाल के रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, और हाफ एन आवर पहले निकाल लें। और 2 टीस्पून हमने इसमें 2 टेबल स्पून डालने, ठीक है। 2 टेबल स्पून, ठीक। और जो मिल्क है ये हम करेंगे गर्म चूल्हे पे रख के गैस पे, ठीक है। तो 3 कप दूध हम डाल के, तो इसको हम कुकर पे रखेंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंडा दूध हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसको वार्म करना है। हाँ जी, ठीक। ये 3 कप दूध है। अगर इसके बाद भी आपको लगे कि आपका थोड़ा सा जो डो है वो सख्त है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं या पानी ऐड कर सकते हैं, सही है। और साथ ही हमने ये ऑयल भी इसमें डाल देना और गर्म कर लेना, ठीक। जो हमने यीस्ट किया था ना पानी में वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन हमने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि हमारा जो मिल्क है ना वो ठीक हो गया इस्तेमाल करने वाला, ठीक। तो बेसिकली झटपट बनने वाली रेसिपी। अब मैदा जो है उसमें हमने योगर्ट डाला हुआ है, इसमें हमने नमक ऐड किया हुआ है, चीनी ऐड की हुई है, और क्या डाला हमने इसमें, और बाइकार्बोनेट सोडा डाला हुआ है। तो ये चीजें हम मिक्स कर रहे हैं और इसको हमने छाना हुआ है जो आटा है ना, जैसे कि इतना फ्लफी फ्लफी लग रहा है तो छान ले तो ज्यादा बेहतर है। तो आपके रिजल्ट अच्छा आएगा, नान अच्छी तरह फूलेंगे। तो पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको जरा कर ले मिक्स, फिर हम इसमें ऐड करते हैं अपना लिक्विड। हाँ जी, और ये तवे के ऊपर ही बनेंगे, तंदूरी तंदूरी नान की तरह, तंदूरी नान की तरह बिल्कुल। तो ये हमें लिक्विड जो है वो सारा उसमें ऐड करना आहिस्ता आहिस्ता और इसको गूंदते जाना है। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया, तकरीबन 1/2 कप है ना। हाँ जी, 1/2 से 1 कप के दरमियान आपको लगे कि अगर ज्यादा ड्राई है जो तो आप ऐड कर सकते हैं पानी, और इस तरह आपने इसको थोड़ा गूंदना। आटा ऐसा होना चाहिए आपका गूंदने के बाद जो है ना, और इसको अभी मैं रखूंगी, ठीक है, तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, ठीक। उसके बाद मैं इसे फाइनल वो दे दूंगी, ठीक है। इसे दोबारा अपना हम इसे लगा के रखेंगे। हाँ जी, अब ये ना सख्त है और ना नरम है ये आटा, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आटा थोड़ा ढीला हो जाए या थोड़ा सख्त रह जाए ना तो फिर नानों में भी फर्क पड़ जाता है। अब इसे गूंद के हमने कितनी देर के लिए रखना है? इसे हमने गूंद के तकरीबन किसी गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख देना,
और आप जितनी देर भी इन्हें रखेंगे तो वो उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। 3 से 4 घंटे जो है बेस्ट टाइम होता है नान का। ठीक है, कर लिया और अब हम इसे कवर करके रखेंगे। अब आपने जो गीला किया नहीं जी, आटा हमारा हो गया है तकरीबन। अब इसको हम थोड़ा सा हमने इसको पंच करके तो थोड़ी सी इसकी जो हवा है निकाल दी है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और पेड़े बना के आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखना है। तो बस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जो साइज़ आपको चाहिए नान का उसके हिसाब से आप पेड़े बना लें और उनको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दें। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए। अब मैं इनको एक वेट टॉवल लूँगी जो मैंने पहले भी ऑलरेडी इस्तेमाल किया है आटे को ढकने के लिए, तो उसी के साथ हमने रख दिया इसको 10 से 15 मिनट और बस अब बेलते जाएं। और इसको मैं तवा जो है मेरा वो नॉनस्टिक है तो इसलिए उसको है तो काफ़ी पुराना, लेकिन मैं इसको इसी के ऊपर नान बनाती हूँ, बहुत ईजीली बन जाते हैं। तो मैं तवे की उल्टी साइड पर नान बनाऊँगी, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेल लें जितना आपको चाहिए मोटा नान। मुझे पतले पसंद है इसलिए मैं ज़रा इसको एक्स्ट्रा बेल देती हूँ। इसके ऊपर आप जो है सेसमी सीड्स या फिर जो भी आपके पास आप लगाना चाहें, धनिया मिर्चें जो भी आपका दिल है वो लगा सकते हैं। और जो जो साइड तवे के ऊपर जाएगी उसके ऊपर आपने पानी लगाना है। तो बस आप इसको अब आपको इसको पकाना है धीमी आंच पे जब तक इसके ऊपर बबल ना आ जाए। तो जैसे ही आपको लगेगी बबल आ रहे हैं हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। ये देखें ऐसे, अब हम इसे उल्टा करके तवे के ऊपर आग को तेज़ करेंगे और इसको हम चारों तरफ से पका लेंगे। आप इसको घुमाते जाएं तवे को तो ये सारी तरफ से एक जैसा नाइस ब्राउन इसके ऊपर फ्लावर्स से आ जाएंगे और हमारा नान रेडी हो जाएगा। विद इन 2 मिनट्स हमारा नान रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी नान हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपका नान थोड़ा चिपक जाए तो आप कोई भी लेके इस तरह का स्पैचुलर तो उससे आप उसे उतार लें तो आपका नान, ये देखिए आपको बैक भी दिखाती थी इसकी, तो बहुत ही प्यारे और फ्लफी और सॉफ्ट नान बनते हैं। इसी तरह आप सारे नान बेल के, अब देखिए मैं इसके ऊपर नाजीला सीड्स और थोड़े से सेसमी सीड्स लगा रही हूँ। इसी तरह उनको प्रेस कर लें थोड़ी देर और पिछली साइड पर पानी लगाएँ और उसको तवे पर डाल दें। बस झटपट नान रेडी हो जाते हैं। बना बना के आप रखते जाएं, वो इसके ऊपर आप बटर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नान की रेसिपी मैंने पहले भी आपको दी हुई, थोड़ी स्लाइटली वो डिफरेंट है, ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। बस इसी तरह आप नान बना लें अपने सारे और रेडी कर लें। इसके साथ हमने चिकन शाशले की रेसिपी भी आपको दी हुई है ऑलरेडी, तो उसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये नान। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा और जल्दी से चैनल जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ में देखने को मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।